नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंगिरश आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप लोगों के लिए स्पेशली लेकर आए हैं। जी हाँ, अब अक्सर जब भी लोग मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर बात करते हैं तो उनके मन में एक क्वेश्चन हमेशा रहता है कि सर, हमारा एक प्रॉपर्टी को लेकर वाद विवाद चल रहा है, ऐसी कंडीशन में हमें एक पार्टी आकर फेवर कर रही है या फिर एक बिल्डर या प्रॉपर्टी डीलर आकर कह रहा है कि ये प्रॉपर्टी आप मुझे बेच दे, मैं आगे सब कुछ संभाल लूंगा। या फिर लोगों के मन में ये भी सवाल आता है कि सर, अगर किसी प्रॉपर्टी पर केस चल रहा है, कोई टाइटल डिस्प्यूट चल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या उसे केस के बीच में ही बेचा जा सकता है? इस चीज से रिलेटेड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है या कानून के अंदर जो प्रोविजंस दिए गए हैं वो इससे रिलेटेड क्या कहते हैं? आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको इसी टॉपिक के ऊपर डीपली नॉलेज देने वाले हैं। अगर दोस्तों आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर आप सभी लोगों के लिए रोजाना इसी प्रकार से इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपने इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में हम सीधा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पर ना बढ़ते हुए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहां पर डिस्कस कर लेते हैं, ताकि जब भी मैं जजमेंट आप लोगों को समझा रहा हूं तो आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन वहां पर ना रह जाए। देखिएगा, हम यहां पर सबसे पहले बात करेंगे टीपीए यानी कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 52 के प्रोविजन के बारे में, जो यहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस के बारे में बात करता है। अब आप कहेंगे सर, ये क्या वर्ड हुआ लीज पेंडेंस? ये मैं आपको क्लियर करता हूं। देखिए, लीज जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है सूट या प्रोसीडिंग, पेंडेंस का मतलब होता है पेंडिंग। यहां पर यही चीज दर्शाई जाती है कि जब कोई सूट या प्रोसीडिंग चल रहा हो तो उसके पेंडिंग रहते क्या किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जा सकता है। तो इसी टर्म के ऊपर हम आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस अब करने वाले हैं। अब मैं यहां पर आपको डिस्प्ले पर सेक्शन 52 का प्रोविजन दिखाने वाला हूं, ताकि आप इस टॉपिक को और ज्यादा बेहतरीन तरीके से यहां पर समझ पाए। देखिए दोस्तों, डिस्प्ले पर अब आप लोगों को सेक्शन 52 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट दिखाई दे रहा होगा। आप एक बार इसे यहां से ध्यान से समझिएगा, ताकि आपको ये टर्म यहीं से क्लियर हो जाए। देखिएगा, आपको यहां से समझना होगा एनी राइट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली और स्पेसिफिकली इन क्वेश्चन, यानी कि अगर यहां पर कोई अचल संपत्ति है जिसके अधिकारों को लेकर यहां पर कोई क्वेश्चन लगा हुआ है, जिसके राइट को लेकर वहां पर कोई क्वेश्चन लगा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? द प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ट्रांसफर, उस संपत्ति को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, और अदरवाइज डील विद एनी पार्टी टू सूट और प्रोसीडिंग एज टू इफेक्ट द राइट ऑफ एनी अदर पार्टी अंडर एनी डिक्री और ऑर्डर व्हिच वे मेड देयर इन। यानी कि दोस्तों, ऐसी कंडीशन में वहां पर उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी यहां पर डिक्री या ऑर्डर पास किया जाएगा, उससे जो दूसरी पार्टी है उसके राइट को खतरा होने का चांस है, उसके अधिकारों का हनन होने का चांस है। इसी चीज को दोस्तों डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्पेंडेंस कहा जाता है। सरल भाषा में आपको दोबारा से बताऊं, यानी कि अगर कोई सूट यहां पर कोर्ट में पेंडिंग है, कोर्ट में कोई केस चल रहा है किसी प्रॉपर्टी को लेकर जहां पर टाइटल डिस्प्यूटेड है, ऐसी कंडीशन में वो जो प्रॉपर्टी है उसको ट्रांसफर ना किया जाए। ट्रांसफर का मतलब सेल, गिफ्ट डीड, ऐसी कंडीशन में सेल एग्रीमेंट भी आ जाता है, ताकि यहां पर आगे जाकर कोई भी डिस्प्यूट ना हो या फिर कोई भी जो पार्टी है उसके राइट को कोई भी खतरा ना हो। दोस्तों, इसको हमारा सेक्शन 52 ऑफ टीपीए यहां पर डिस्क्राइब करता है। अब दोस्तों, जब भी यहां पर हम बात करते हैं प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने की सूट की पेंडेंसी में, यानी कि जब सूट पेंडिंग पड़ा है, ऐसी कंडीशन में यहां पर दो प्रोविजन एक्टिव होते हैं, दो प्रोविजन पावर में आते हैं। वो क्या क्या? सबसे पहले यही सेक्शन 52 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जो मैंने आपको समझा दिया है। इसके अलावा जो यहां पर आता है ऑर्डर 39 सीपीसी रूल 1 और 2, जो मैं ऑलरेडी अपनी बहुत सी वीडियोस में आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं। यानी कि हम यहां पर बात कर रहे हैं इंजंक्शन सूट के बारे में, जिसे हम सरल भाषा में टेम्पररी स्टे कहते हैं। देखिएगा, अगर किसी प्रॉपर्टी पर कोई वाद विवाद चल रहा है और ऐसी कंडीशन में किसी पार्टी को यह आशंका है कि यहां पर सामने वाली पार्टी इस प्रॉपर्टी को किसी को बेच ना दे, किसी को ट्रांसफर ना कर दे, तो वहां यहां पर ऑर्डर 39 रूल 1-2 का सहारा लेते हुए कोर्ट में टेम्पररी इंजंक्शन का सूट दाखिल कर देती है, जिससे कोर्ट क्या करता है उस पार्टी के फेवर में उस प्रॉपर्टी पर स्टे लगा देता है, जो टेम्पररी पीरियड के लिए होता है। कब तक? जब तक कोर्ट अपना आदेश ना पारित कर दे या फिर कोई अगला ऑर्डर ना पास कर दे।
ऐसी कंडीशन में अगर उस प्रॉपर्टी पर स्टे लग गया तो वहां पर उस प्रॉपर्टी को अब बिल्कुल भी सेल आप मत करिएगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दोस्तों यहां पर ये कोर्ट का ऑर्डर है कि उस प्रॉपर्टी को सेल ना किया जाए। अब ऐसी कंडीशन में अगर आप उस ऑर्डर को फॉलो नहीं करते तो ऐसी कंडीशन में आपके ऊपर कार्रवाई होगी क्योंकि आपने वहां पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दिया है, यानी कि उस कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको फॉलो नहीं किया, जिसके तहत आपको सिविल प्रिजन हो सकती है, आपकी प्रॉपर्टी को फॉरफीचर किया जा सकता है, उसको सेल भी किया जा सकता है। ये कोर्ट के पास पावर होती है दोस्तों। तो आप इस चीज को समझें कि यहां पर अगर आपकी प्रॉपर्टी पर कोई टेम्पररी इंजंक्शन लगा है और ऐसी कंडीशन में कोई भी पार्टी आपको कितना भी फोर्स कर रही है तो आप कभी भी उस प्रॉपर्टी को मत सेल कीजिएगा, बिकॉज यहां पर जो ऑब्लिगेशन आने वाले हैं, जो यहां पर पनिशमेंट होने वाली है, वो सब आप ही उसके लिए लाइबल होंगे। एक कंडीशन ये बनती है जो ऑर्डर 102 सीपीसी से रिलेटेड है। दूसरी अब हम बात करते हैं डायरेक्टली टीपीए सेक्शन 52 यानी कि लिस्ट पेंडेंस से रिलेटेड। अब दोस्तों यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं, साल 2019 के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण फैसला यहां पर दिया था जो यहां पर यही चीज निर्धारित करता था कि हर कंडीशन में लिस्ट पेंडेंस डॉक्ट्रिन को एप्लीकेबल नहीं किया जा सकता। सरल भाषा में आपको बताऊं तो हर कंडीशन में अगर एक व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर देता है तो उसको इलीगल नहीं कराया जा सकता। अब ऐसा कैसा हुआ, केस का टाइटल क्या था, ये सारी चीज हम वीडियो में आगे अब डिस्कस करने वाले हैं। अब दोस्तों यहां पर हम केस के टाइटल को जान लेते हैं। देखिएगा डिस्प्ले पर भी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, केस टाइटल है दोस्तों मधुकर निवृत्ति जगताप एन अदर्स वर्सेज श्रीमती प्रमिला बाई चंदूलाल प्रणादेकर एन अदर्स, सिविल अपील नंबर 5382 ऑफ 2007। और ये जो मैटर डिसाइड किया गया था 13 अगस्त साल 2019 को डिसाइड किया गया था। अब दोस्तों इस जजमेंट के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही चीज कही थी कि अगर किसी भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जा रहा है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट तो ऐसी कंडीशन में हर सिचुएशन में डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्ट पेंडेंस को यहां पर मेंटेन नहीं किया जाएगा, यानी कि हर कंडीशन में जो लिस्ट पेंडेंस की डॉक्ट्रिन है सेक्शन 52 को इन्वोक नहीं किया जा सकता। यहां पर केवल क्या होगा, जो वो पार्टी है जिसको वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है, जो बाद में कोर्ट का फैसला आता है, चाहे वो डिक्री के थ्रू आ रहा है चाहे ऑर्डर के थ्रू आ रहा है, वो फैसला उस पार्टी के ऊपर भी बाइंडिंग होगा। यानी कि जिस पार्टी ने उस प्रॉपर्टी को सेल कर दिया है किसी थर्ड पार्टी को, अगर फैसला उनके हित में ही आया तो थर्ड पार्टी को कोई भी नुकसान नहीं होगा, और अगर ऐसी कंडीशन में वो फैसला उस पार्टी के हित में नहीं आता तो यहां पर जिस थर्ड पार्टी को वो प्रॉपर्टी दी गई है उसको वो प्रॉपर्टी वापिस लौटानी पड़ेगी। ऐसा यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस महत्वपूर्ण जजमेंट के अंदर किया था दोस्तों। इसके अलावा भी मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण वर्डिंग्स यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की दिखाता हूं ताकि आपको ये जजमेंट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए दोस्तों। अब दोस्तों डिस्प्ले पर आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा, आपको यहां से अब ध्यान देना होगा, द सेड डिसीजन इज नॉट एन अथॉरिटी ऑन द पॉइंट दैट, यहां से अब ध्यान दें, एवरी एलिनेशन, एलिनेशन का मतलब ट्रांसफर ही होता है, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट इज टू बी डिक्लेयर इलीगल एंड वॉइड, यानी कि हर तरीके से अगर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया गया है तो हर सिचुएशन में उसे इलीगल और वॉइड नहीं ठहराया जा सकता। द इफेक्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्ट पेंडेंस इज नॉट टू एनल ऑन द ट्रांसफर, एनल का मतलब होता है दोस्तों रद्द करना, यानी कि जो डॉक्ट्रिन है लिस्ट पेंडेंस की वो यहां पर हर प्रकार की ट्रांसफर को रद्द नहीं कर सकती। इफेक्टेड बाय पार्टी टू अ सूट बट ओनली टू रेंडर देम सबसर्वेंट, सबसर्वेंट मतलब यहां पर लेस इफेक्टिव होता है, टू द राइट ऑफ द पार्टी अंडर द डिक्री एंड ऑर्डर विच मे बी मेड इन द सूट, यानी कि दोस्तों यहां पर क्या होगा, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्ट पेंडेंस है वो हर कंडीशन में क्या है, जो वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है उसको नल एंड वॉइड नहीं ठहरा सकती। हाँ, वहां पर जो राइट है जो दूसरी पार्टी के उनको लेस इफेक्टिव जरूर कर सकती है उस कंडीशन में, बट ट्रांसफर को हर कंडीशन में नल एंड वॉइड नहीं ठहराया जा सकता। यहां से देखें, इन अदर वर्ड इट अफेक्ट इज ओनली टू मेक द डिक्री पास इन द सूट बाइंडिंग ऑन द ट्रांसफरी, जो मैंने आपको बताया था यहां पर क्या होगा कि जो डिक्री पास की जा रही है सूट की, बाद में जाकर वो जो ट्रांसफरी है जिसने वो प्रॉपर्टी खरीदी है उसके ऊपर भी वो चीज बाइंड करेगी, यानी कि उसको भी वो चीज माननी ही पड़ेगी। अगर वो यहां पर जब उसने प्रॉपर्टी खरीदी है अगर वो उन्हीं के हित में फैसला आ गया तो वो प्रॉपर्टी उनकी हो गई, बट अगर वो फैसला उनके हित में नहीं आता तो ऐसी कंडीशन में वो प्रॉपर्टी उनको वापस लौटानी पड़ जाएगी। ऐसा इस जजमेंट के अंदर पूरी तरीके से क्लियर कर दिया गया था, यानी कि हर कंडीशन में डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्ट पेंडेंस यहां पर इफेक्टेड नहीं होगा। यानी कि दोस्तों कुछ ऐसी कंडीशंस बनती है जहां पर पेंडेंसी ऑफ सूट के दौरान भी आप प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं। अब वो कंडीशन कौन कौन सी है ये मैं इस वीडियो के अंदर नहीं बताने वाला, आपको आज की इस वीडियो पे कम से कम 500 लाइक करने हैं और व्यूज 50,000 करवाने हैं। मैं आने वाले टाइम में इस वीडियो को सेपरेटली लेकर आऊंगा, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, आज तक YouTube हिस्ट्री में शायद ही किसी ने अपलोड की होगी।
तो आपको करना बस यही है कि जल्दी से जल्दी व्यूज और लाइक टारगेट को पूरा करने के लिए इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर 24 आवर्स के लिए लगाना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और लाइक और कमेंट को जरूर करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा वीडियो की रीच बढ़े और जल्दी से जल्दी हमारा टारगेट पूरा हो और मैं इस वीडियो को आप लोगों के लिए जल्द से जल्द लेकर आऊं। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो के अंदर अगर मिली जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में मैंने नंबर दिया है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराकर डायरेक्टली कॉल पर मुझसे बात कर सकते हैं। और अगर आप इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो रोजाना ही पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।